आप? अभी यहाँ पे हम बॉर्डर पे पहुँचे हैं। यहीं रुकोगे? हाँ जी यहीं रुकेंगे अभी। तो किसानों के समर्थन में, समर्थन के लिए आए हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार को इस समय? सरकार को यही कहना चाहेंगे, अगर सरकार हमने अपना देश आपके हवाले सौंपा है, किस लिए सौंपा है हमने, अगर उससे आपकी जनता खुश नहीं है तो आपको उस फैसले को वापस ले लेना चाहिए शांतिपूर्वक। अगर आप मजबूर करोगे कुछ भी, आप हमें हाइपर करोगे तो नेचुरली जनता हाइपर होगी। कितने घंटे में आप पंजाब से कब चले थे, कब यहाँ पहुँचे हो? हम चले थे 1-2 बजे चले थे, तो रास्ते में हम काफी टाइम हमें मिलते रहे, आपने किसान वीर मिलते रहे, उन्होंने रास्ते में रोक के हमारे साथ, वो भी मोटिवेट हुए हमें मिल मिल। क्या संदेश देना चाहोगे इस समय? संदेश मैं मोदी को ही देनी चाहूंगी, और तो किसी को देने का बनता नहीं है। ये आज पूरा पंजाब यहाँ बसा हुआ है कुंडली बॉर्डर पे, जब तक वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हमारा पंजाब हिलने वाला। पहुँचे हो? मैं इनके साथ ही चला हूँ, मेघा जी के साथ। मेरा नाम जसप्रीत है, हम वैसे साइकिलिंग करते हैं, वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैक्ट्री है। पर जो किसानों का संघर्ष हम देख रहे थे, जो पूरे देश की बैकबोन है, आज अगर वो दुखी है तो समझ लीजिए सारा देश दुखी है। इसीलिए उनके उनका साथ देने के लिए आज मैं साइकिलिंग, हम दोनों साइकिलिंग कम्युनिटी की तरफ से और एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हम यहाँ पे आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा इस आंदोलन में किसानों का साथ दे, हम अपने इस यात्रा से ये मैसेज देना चाहते हैं।